बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें। तो नाज़रीन, आज आपके लिए एप्पल का मिल्क शेक लेके आया हूँ। और ये कैसे बनाते हैं, इसमें मैंने क्या क्या इस्तेमाल करना है, एक एक चीज़ को आप नोट करेंगे तो अपने घर में आप बहुत ही शानदार मिल्क शेक तैयार कर सकेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो ये देखें नाज़रीन, ये हाफ़ के जी मैंने एप्पल लिए हैं, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त। और इनको अच्छी तरह से मैंने साफ़ सुथरा धो लिया है। और अब इनके पीस बनाएंगे, छोटे छोटे पीस बनाएंगे। इस तरह आपने काट लेना है ताकि जूसर ब्लेंडर में हम डालेंगे तो ये आसानी से तैयार हो जाएंगे और इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। देखें इस तरह ये सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब इनको ये जूसर ब्लेंडर में डालते हैं, ये देखें ये इस तरह। और इसमें अब मैंने हाफ कप चीनी का इस्तेमाल करना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप करना चाहें ये आपकी मर्ज़ी। और ये हाफ़ लीटर दूध है, फ्रेश दूध है। अब इसमें मैंने ये डाल दिया है। तो अब इसका ढक्कन लगा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैंने चला दिया है। तो इस तरह ये आसानी के साथ ये देखें ये तैयार हो गया है, कोई मुश्किल नहीं है। और एक और जार में इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अब आपको डिश आउट करके दिखा देते हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप हमें देखते हैं, ये आपकी मोहब्बत, अपने कमेंट से भी हमें आगाह किया करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लिया करें। इसके साथ आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा। तो अब इसमें बादाम वगैरह डालते हैं, ये देखें ये इसका बादाम के साथ इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। और इस तरह अफ्तारी में अगर आपको ये इस तरह के मिल्क शेक मिल जाए और क्या ही कहने, आप अपने घर में फ्रेश मिल्क शेक बनाएं, एप्पल मिल्क शेक, तो कितना शानदार। और इसी के साथ गुल चाचा आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह नगेबान।